मेरा नाम लाडवाई है, मेरा समूह का नाम जय श्री राम, मेरा ग्राम का नाम वीरेनपुरा है और ये सिलाई का काम करती हूँ मशीन। हमारे गांव में मैडम आई, मैडम ने बोला कि तुम समूह बना लो, तो समूह बनाया हमने 10-10 रुपये वाला। वो हर महीना पैसे जमा करती रही, तो 5-6 महीने के बाद में हमें मतलब एक समूह मतलब 6 समूह में से माए 90,000 रुपया मिलिया। तो वो माँ के 1500-1500 रुपया 1300-1300 रुपया के लगभग आया। हमने वो किस्त जमा कर दी, हमें मिल गया था और वो किस्त जमा कर दी। फिर दूसरे बार जब पैसा मिला हमें तो वो 12-12 हज़ार रुपया मिलिया। उन्हीं के मिलवा के बाद में माँ किस्ता भी जमा करती रही। और फिर मैडम ने हमें बताया कि तुम ऐसे करो कि अगर जो किसी का दिल हो तो हम आप कुछ काम बतावा। तो मैडम ने बोला, हमने बोला कि कुछ भी बताओ, हम करने के लिए तैयार हैं, तो तुम बेग की ट्रेनिंग ले लो। इसके बाद में फिर बेग बनावा लग गई। भोपाल से सामान वामान ला के फिर मैडम ने मुझे लॉन्च भी दिलवाया, 15,000 रुपया लॉन्च का मिला मुझे। उसी में से मैंने सामान वामान भी खरीदा और बेग बनावा लग गई। अब जैसे बैग भी बिकता जावे, 200 में भी दिया 225 में भी दिया 250 में भी दिया 50 में भी दिया 75 में भी दिया, वैसे बैग जैसा ही कीमत उन्हें हिसाब से बनाती रही और बेचती है। जो घर गृहस्थी को ही काम करती थी, हमारे पास 5 बीघा जमीन है, 4-5 बीघा, उन्हीं को काम करता था। और वो काम बीत बाद में मेहनत मजदूरी कर, और अब बैग बनावा लग गई तो कोई की मजदूरी करवा भी नहीं जावा। जब खेती करता था तो खेती में बहुत सी परेशानी, बीज नहीं मिलते थे, खाद नहीं मिलते थे और पानी की संभावना थी, सभी बात की परेशानी थी। अनाज भी कमाता था, पानी भी गिरता था, फिर भी वह फसल नहीं होती थी। और जो कोल वाला गिर जाता था तो उन्हीं में सब पर के भी सब गिर गया, कोई फसल नहीं हुई, सोयाबीन भी नहीं हुई, ऐसे परेशानी आती थी। और जब बैग सीख गई तो बैग बनाने में अब मतलब कम से कम हम हाथ खर्चों भी चल जा रहे, उनसे ज़्यादा अधिक भी अपने ऊपर है बनावा के ऊपर। मेरे से कोई ज़्यादा काम होता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यही काम सीख जाऊँ तो घर बैठे काम करती रहूँ। इसके बाद में मैंने बच्चे को भी सिखा लिया, बहू को भी सिखा लिया, वो भी बच्चा भी बनाता है, बहू भी बनाती है। ये तो 150 को है 150 को यो है और 100 को यो है। अरे भाई नकली वकली कच्चो पट्टो कसा है, हाथ से बना रही हाथ से सिल रही, मजबूत सिल रही तो कच्चो पट्टो कसा है। एक नंबर बाजार से तो अच्छा बैग है ना। अरे किराया तो नहीं लागे, गांव में रहे तो। भोपाल से सामान बैरागढ़ से लेकर आई, वहां से 5,000 का सामान लेकर आई थी हूँ, कपड़ों चेन बेल्ट लॉक ऐसा सामान लेकर आई थी। 4-5 तरह को तो कपड़ों ही लेकर आई थी ऊपर नीचे को। उन्हीं में से बैग बनाया मैंने तो 5,000 का 15,000 रुपये बनिया मेरे। और जैसे मेरे घर में कमी भी है क्योंकि मेरे पति यहाँ नहीं रहते हैं, वो भोपाल रहते हैं, तो उसी के कारण काम की भी कमी है, पैसों की भी कमी है, घर में पैसों की कमी है तभी हम काम नहीं कर पाते हैं। तो मेरी नंदा बहन जी आती थी तो उनको एक जैसे लुगड़ा उड़ाते हैं हमारे में, उन लुगड़ा के बदल में उनको एक एक बैग भी दे दिया मैंने और बेच भी दिया। 4 महीने में ये तो काम करियो मैंने कि 5,000 को सामान का 15,000 रुपये 4 महीने में बना लिया। और भी अगर जो हमारे पास बहू भी होती तो और भी ज़्यादा बना लेती, पर अब मैं अकेली थी, घर को कामकाज भी करूँ अकेली थी, यानी वजह से मार सत्र बैग बना। बस ये फायदा मिलियो मुझे कि कोई के पास पैसा काटने नहीं जाऊँ, मारे बैग बिक जाए, मारे पास पैसा रहे, मतलब घर खर्चा में भी रेवे, कहीं भी सामान भी ले लूँ और कहीं आबा जाबा में भी पैसा हमारे पास है तो कोई से मांग नहीं सकूँ। और पहला एक एक दो दो रुपया काना इधर उधर दौड़ी फरती, 100 रुपया तू दीजिए तो 200 रुपया तू दीजिए। और अगर अब ले भी लूँ तो बैग का पैसा आ जाए हमारे पास,
पैसे वापस दे दो। और देख के अभी तुम्हारी यह उम्मीद है कि मेरा बच्चा भी बनाता है, बहू भी बनाती है, तो यही उम्मीद कर रही कि अभी तो और भी अभी जाऊंगी एक दो दिन में भोपाल माँ से कपड़ा लाके और बहुत सारा बैग बनाऊँ थोक से दो। अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बैग बनाऊँ और जालपा जी पे भी दुकान अगले बार भी लगाई थी मैंने और अब भी लगा, बाकी सोच रही सोच के ही लगाऊंगी। अरे लाता है वहाँ पे भी सोचती हूँ कि यहाँ लगाऊँ वहाँ लगाऊँ। ये मेरा परिवार है और ये बच्चे को भी ये बोलता सुनता नहीं है, तब भी मशीन चला ले सब अन्य को तो ध्यान है कि जो बैग बना ले। मैंने भी मतलब मुँह बनाते सीते नहीं, उन्हें देख के ये बना ले और बहू भी बना ले। ये मेरी पोती है और इसका नाम राधिका है और अब इसके बारे में यह सोच रही हूँ मैं कि इसको अच्छा पढ़ाऊँ लिखाऊँ, प्राइवेट स्कूल में इसको एडमिट करवाऊँ। मेरा नाम हिम्मत भाई है, मैं बिरेंद्रपुरा की रहने वाली, मैं होम नमः सुवास संभूसाई है और मेरा भी मन यह हो रहा है कि मैं भी कहीं भी अगरबत्ती है, अचार है और बेक है कुछ भी सीख सकूँ। और मेरे चार बच्चे बच्चे हैं तो घर में बहुत परेशानी है। हमारे लड़के स्कूल जाते हैं पहली में तो उसका किराया का गुजारा भी नहीं हो सकता और मेरे घर पे भी बहुत परेशानी आ रही, तो 150 रुपये बच जाए तो बच्चा बच्ची के लिए फायदा ही हो। अना को काम देख के मुँह भी करबू चाह रही मेहनत के, मारे बचत होगा लग जाए तो अच्छी बात।